हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने पिछली कक्षा में आपको कलर और व्हील के बारे में बताया था कि कौन से कलर को किस कलर में मिक्स करने पर हमें कौन सा कलर मिलता है। दो प्राइमरी कलर मिलने पर हमें एक सेकेंडरी कलर मिलता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। कलर्स ऑफ व्हील के बारे में ही मैं थोड़ा और आपको बताना चाहती हूँ। आइए, प्राइमरी कलर्स होते हैं येलो हमें सन से मिलता है। ये कुदरती कलर होते हैं जो हमें सन से मिलते हैं। दूसरा कलर है ब्लू। ब्लू हमें स्काई से मिलता है एंड वाटर से मिलता है। तीसरा कलर है रेड। ये हमें फायर से मिलता है और सैंड से मिलता है। ये हमें कलर्स, कुदरती कलर्स हैं जो हमें इन चीज़ों से मिलते हैं। और सेकेंडरी कलर्स होते हैं ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट। ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं। स्किन में भी हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी कलर्स जब बनते हैं, जब हमें इन्हें 1:1 के अनुपात में हमें मिलाना होता है। जब दो कलर, मैं जो ये नोट्स बता रही हूँ, आप चाहो तो डायरी में नोट्स कर सकते हो ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। जब दो प्राइमरी कलर 1:1 के मात्रा में मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है। ये तीन कलर जो हैं प्राइमरी कलर, ये तो हमें प्रकृति से ही पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा कलर किस नंबर पे आता है। आइए, वन नंबर पे आता है जेड ब्लैक, सेकंड नंबर रहता है खाली, थर्ड नंबर पे आता है डार्क ब्राउन, फोर नंबर पे आता है मीडियम ब्राउन, फिफ्थ नंबर पे आता है लाइट ब्राउन। हम लोग प्रैक्टिकल तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन हमें थ्योरी याद नहीं रहती है, इसलिए हमें थ्योरी याद भी रखनी चाहिए कि कौन सा कलर किस नंबर पे आता है, ताकि हमें दिक्कत ना आए क्लाइंट जब हमारे पास आता है। तो सिक्स नंबर पर आता है डार्क ब्राउन, सेवन नंबर पे आता है, दोस्तों ये नीचे से चलता है, ऊपर से नहीं चलता है, ये नीचे से चलता है डार्क। जब हमें बालों को ब्राउन कलर देना होता है, कलर बालों का कलर 2 से 3 लिफ्ट करने पड़ते हैं, तब हमारे ये कलर आते हैं। ये तो हमारे इंडियन कलर्स होते हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन। अब जब ये ब्राउन कलर आते हैं तो ये हमारे इंडिया में कम पसंद किए जाते हैं, लेकिन आजकल ये फैशन के कलर में माने जाते हैं। सातवें पे आता है मीडियम ब्राउन, इसके ऊपर ही आएगा आठवां नंबर लाइट ब्राउन, फिर नवे नंबर पर आएगा एक्स्ट्रा कलर, और उसके बाद आएगा अल्ट्रा कलर। इसमें ये कलर्स की नंबरिंग दी होती है। जब हम कलर करते हैं तो हमारे पास नंबर याद होने चाहिए। पहला नंबर आता है जेड ब्लैक, सेकंड नंबर रहता है खाली,
तीसरे नंबर पर आता है डार्क ब्राउन, चौथे नंबर पर आता है मीडियम ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर मीडियम ब्राउन। ये हमारे नंबर के हिसाब से, यदि हम शॉप पे परचेज करने जाते हैं तो हमारे को नंबर के हिसाब से कलर दिए जाते हैं। हमारे पास यदि कलर नंबर याद है, हम सिर्फ शॉप पे जाके कहेंगे हमको 4 नंबर चाहिए, हमें मालूम है 4 नंबर होता है मीडियम ब्राउन, तो हम जाके उसको सिर्फ कलर कौन सी कंपनी में चाहिए, लगभग एक से ये जो जितने भी नंबर हैं लगभग हर एक कंपनी में सेम रहते हैं, कुछ कुछ में चेंज रहता है, लगभग सभी में एक जैसे रहते हैं। जो प्रोफेशनल्स के कलर्स आते हैं उसमें सभी में एक जैसा होता है। नंबर एक पे आएगा जेड ब्लैक, 2 नंबर खाली, नंबर 3 पे आएगा डार्क ब्राउन, चौथे पे आएगा मीडियम ब्राउन, पाँचवें पे आएगा लाइट ब्राउन, छठे पे आएगा डार्क ब्राउन, सातवें पे आएगा मीडियम ब्राउन, आठवें पे ये इसके ऊपर चलता जाता है, ये उल्टे सिस्टम से चलता है, तो इसके ऊपर आएगा 8वां लाइट ब्राउन। ये जो मीडियम ब्राउन लाइट ब्राउन, ये हमें जब हम या तो ब्लीच से कर सकते हैं या प्री लाइटनिंग, ब्लीच यूज़ अच्छा नहीं लगता है प्रोफेशनल की लैंग्वेज में, इसीलिए हम इसे प्री लाइटनिंग कहते हैं। इन कलर्स को हम प्री लाइटनिंग करते हैं। जब हमें ब्लू कलर, रेड कलर या ग्रीन कलर, ये जो फैशन के कलर होते हैं, हमें जब कलर देना होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स के हेयर्स पर वो कलर प्रॉपर नहीं आ पाता है, इसलिए हमें पहले बालों को ब्लोंड कलर देना होता है। ब्लोंड कलर हम बालों की टेक्सचर देखेंगे, उनके हेयर्स को ये देखेंगे कि उनका हेयर कितना पतला है, कितना मोटा है। हम ये देखने के बाद कि उनका कलर हेयर का कौन सा है, हमारे को कितने लेफ्ट कराने पड़ेंगे बालों को, मतलब कितना लाइट कलर देना पड़ेगा कि हमारा वो फैशन वाला कलर बालों पर चढ़ सके। हमें ये कलर देने से पहले हमें बालों को ब्लोंड करना पड़ेगा, यानी प्री लाइटनिंग करनी पड़ेगी। प्री लाइटनिंग करने के लिए हमें 40 वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ता है, ये हमें देना पड़ता है। हमारा होता है 6%, 9% एंड 12%। 6% होता है 20 वॉल्यूम, 9% होता है 30 वॉल्यूम और 12% होता है 40 वॉल्यूम। नॉर्मल जो हमारा रूट टचअप होता है या हेयर कलर होता है, फुल हेयर कलर होता है, नॉर्मल टचअप होता है, तो हमारा 20 वॉल्यूम में हेयर कलर हो जाता है। यदि बालों पे टेक्सचर में मेहंदी लग रही है या बालों में ऐसा कुछ कलर करा रखा है या ब्लीच करा रखी है, तो हमें बालों के टेक्सचर देने के लिए, हमें प्री लाइटनिंग करने के लिए कई बार हमें 30 वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन एक्सिस कई बार हमें 40 वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ता है। वैसे तो 30 वॉल्यूम करो तो बेस्ट रहता है, अन्यथा हमें प्री लाइटनिंग करने के लिए 40 वॉल्यूम का यूज़ करना चाहिए। 40 वॉल्यूम यूज़ करने के बाद हमें वो हमारा ब्लोंड कलर मिल जाएगा। ब्लोंड कलर मिलने के बाद हमारे जो क्लाइंट की डिज़ायर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, जो भी इनके फैशन कलर है, वो हमें कलर्स मिल जाएंगे। हमारे ये कलर्स होते हैं दोस्तों। आज मैंने आपको सारे कलर्स के बारे में बताया कि कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन कौन सी परसेंट होती है। ये हमें कलर्स में मिलाना पड़ता है डेवलपर। ये डेवलपर ये 6%, 9%, 12%। आप शॉप पर जाइए, आप उनसे सिर्फ यूँ कहिए कि हमें 9% वाला चाहिए कलर या 30 वॉल्यूम चाहिए, तो आपको 9% उस पर लिखा रहता है बोतल के ऊपर कि 9% वाला है, 6% वाला है या 12% वाला है, तो उससे आपको पता चल जाएगा 20 वॉल्यूम है, 30 वॉल्यूम है या 40 वॉल्यूम है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मैंने आपको एक कम्प्लीटली बता दिया कि कौन कौन से कलर होते हैं। आज की क्लास में इतना ही है, आगे मैं आपको और नई नई वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि दोस्तों हमें प्रैक्टिकल करने में आसानी रहती है, लेकिन जब तक हमें थ्योरी याद नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी ज्ञान हमें होना आवश्यक है। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।